हमें विवेक और आज की वीडियो में हम हंसने वाले हैं क्योंकि आज हमारे पास है लाफिंग गैस। ये देखो काफी सारे हैं हमारे पास। तो गाइस ये सिंपली मेडिकल या केक बनाने को यूज होता है, केक बनाने के लिए यूज होता है। और गाइस अगर इसको आप ओवरडोज लेंगे तो आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है या तो फ्रीज कर सकता है। और तो गाइस इसलिए हम इसको एक्सपर्ट के निगरानी में करेंगे। आप इसको घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करना। तो इसको निकालने के लिए देखो सिंपली आपको एक पतली सी सुई चाहिए और आपको कुछ भी मतलब जोर से मारने का चाहिए। तो चलो अभी हम निकालते हैं, पहला निकालते हैं। देखो सिंपली आपको इसके लगाने का है और इसको इधर से मारना है और एकदम धीरे धीरे। अरे किधर जा रहा है हवा, जम गया अंकल ये। तो गाइस देखो इसमें के इसके अंदर का नाइट्रोजन गाइस बहुत ज्यादा ठंडा भी है जब निकलने के बाद ही ठंडा होता है। निकलने के बाद तो हमारे पास काफी सारे हैं और इसके देखो जब हम इसमें अपने से हवा नहीं भरे इसके अंदर की हवा आ रही है। देखो दूसरा फुगा भी रेडी रखते हैं, एक हो गया तो दूसरा निकाल देंगे। और गाइस ये काफी ज्यादा ही ठंडी है, ऐसे लग रहा है हमने अभी तुरंत फ्रिज में से निकाला। और जब ये निकल जाएगा ना ये पूरा ठंडा हो जाएगा। देखो इसका मेन जगह हम वो भी आपको दिखाएंगे। आप वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा। ये देखो ये अभी बहुत ठंडा हो गया था, मैंने हाथ रखा तो ये नॉर्मल हो गया। देखो इतनी सी है और गाइस इसको ज्यादा नहीं लेने का। गाइस एक छोटे सिलेंडर से देखो ये सिलेंडर से आप दो छोटे छोटे बलून भी भर सकते हो। ये ज्यादातर तो मेडिकल में ही यूज होता है। तो अभी ये भी भर जाएगा तो लेंगे हम और देखते क्या हम हंस पाते हैं, क्या ये लाफिंग गैस ही है। बेटा एकदम उधर ही रख बल। अरे कुछ नहीं हुआ अभी तक, लास्ट पूरा हंसी आ रही है ना। ये क्या हंस रहा है? अरे वो तो मुंह का हंसी है ना। क्यों कैसे सच्ची में नहीं कुछ पहले थी क्या? ये साहिल को देख, ये हंसता है क्या? ये देखा अभी हंस नहीं रहा है, ले थोड़ा देख हंसने लगा। मीठा लग रहा है, हंस रहा है ना। अरे तो हंस रहा है, ये भी हंस रहा है। ये देख पहले कैसे था, ये देख लाफिंग गैस है। ये देख कितना हंस रहा है। ये देख बिना बिना मतलब का कुछ भी मत बोला। ये देख इतना पावरफुल नहीं है यार अंकल। अरे ये देख ऐसा क्या है रे, मैं टाइम पे नहीं कुछ नहीं हंस। और एक खड़ो गाइस, चलो हम अभी ये लेते हैं। मीठा मीठा लग रहा है। अरे खत्म हो गया, हंसी अभी आई नहीं है, देखते कितने टाइम में आती है हंसी। तू ऐसा मत सोच कि मुझे हंसना नहीं, हंसना नॉर्मल रहे, नॉर्मल देख अभी नॉर्मल रहे बोले तो हंस रहे। हंसेगा नहीं ना, हंसेगा नहीं ना।
अभी हंसना मत। हो रहा है आंसर, हो रहा है देखा आंसर हो रहा है। अभी बिना मतलब का क्यों हंस रहा है? हंस थोड़ी ना रहा है, इधर हंस रहा है। नहीं हंस रहा है ना, हंस मत, हंस मत, दांत मत दिखा, दांत मत दिखा, बिल्कुल भी दांत मत दिखा। अरे दांत मत दिखा, ओवरडोज हो जाएगा, ये मत ले लो, बच्चे के लिए इतने काफी है। ये पीस को देखो, पीस नहीं हंस रहा है ना, ये ले पीस को ले। तो देखो अभी ये ऐसा है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, वो तो ले पर ले ना, एक ट्रायल तो कर, अरे ले ना ट्रायल तो कर। एक अभी एक ने दो लिए ना, एक ले जोर से पकड़, थोड़ा 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 ले, थोड़ा थोड़ा तू मीठा मीठा है ना, अंदर ले पूरा। हो देखो गाइस ये हंस नहीं रहा था, बिल्कुल टेंशन आ रहा था इसको, किस चीज का बहुत टेंशन में था ये बंदा। अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखो दांत दिखाना शुरू कर दिए, और गाइस एकदम अपने माइंड को शांत और एकदम टेंशन फ्री कर, तभी मेडिकल में यूज होता है। सुन्न करने की दवाई है रे, जो भूल भूल देते ना, ओए छाती सब पैक हो गया जैसा लग रहा है। पैक नहीं, ये रिलैक्स कर देता है बॉडी को, रिलैक्स मतलब। चलो अब आज बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तभी हंसी आती है ना, इसलिए हंसी आती है। देखो हंस रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत कम है डोज। पीयूष भैया छेरी